नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने बुधवार को जनसुराज पार्टी के नाम से अपना राजनीतिक दल गठित करने की घोषणा कर दी। पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रशांत किशोर ने यह घोषणा की। इस दौरान प्रशांत किशोर ने यह भी ऐलान किया कि हमने कहा था कि दलित समाज का ही कोई व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा। जय बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद। ए भाई, बहुत दिन से जन सुराज अभियान चल रहा है, 2-2.5 बरस से चल रहा है। अब लोग पूछ रहा है दल कहिया बनेगा, तो आज दल बनाने के लिए आप जुटे हैं, तो एक बार स्वागत कीजिए, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए। चुनाव आयोग की तरफ से जन सुराज को आधिकारिक तौर पर, जन सुराज पार्टी के तौर पर स्वीकार कर लिया गया है। नाम ठीक है, चुनाव आयोग के कहने से नहीं होगा। चुनाव आयोग अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर से चुनाव आयोग में प्रयास किया जाएगा। जन सुराज पार्टी नाम ठीक है? ठीक है भाई, सबने अप्रूव कर दिया ना? कहा कि हाथ बिना उठाए कीजिएगा तो होगा, हाथ उठाकर बोलिए कर दिया अप्रूव। दल का नाम क्या है? दल का नाम क्या है? जनसुराज पार्टी के बिहार प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती होंगे। साथ ही उन्होंने इस बात की भी घोषणा की कि मार्च में अध्यक्ष का विधिवत रूप से चयन किया जाएगा, जिसका कार्यकाल 1 साल तक का होगा। मनोज भारती मधुबनी जिले के रहने वाले हैं और दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। वे पिछले 2 साल से जनसुराज के लिए बिहार में सक्रिय है। वैसे मनोज भारती के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद लाजमी है कि नेताओं की नजर उन पर जरूर पड़ेगी और वार और पलटवार जो है एक बार फिर से जारी हो जाएगा। जी हां, मनोज भारती को लेकर श्याम रजक ने जो है वो चुटकी ली है। प्रशांत किशोर की ओर से दलित कार्ड खेले जाने पर सियासत भी शुरू हो गई है। आरजेडी से अभी हाल ही में जेडीयू में फिर से वापसी करने वाले पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक की दलितों के बड़े नेता के तौर पर पहचान की जाती है। श्याम रजक का कहना है कि प्रशांत किशोर ने आखिर मनोज भारती को अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया। श्याम रजक ने यह भी कहा कि प्रशांत किशोर खुद ही जनसुराज के अध्यक्ष होंगे। श्याम रजक ने आगे यह भी बताया कि मनोज भारती जो है दलित नहीं है, यह जरूर है कि दलित समाज से आते हैं और पढ़े लिखे हैं। वैसे मनोज भारती की बात करें तो संयुक्त बिहार के सबसे प्रतिष्ठित सरकारी स्कूल नेत्रा हाथ से पढ़ाई उन्होंने की है। उन्होंने आईआईटी कानपुर इंजीनियरिंग से की है। इसके बाद साल 1988 में यूपीएससी परीक्षा पास की और आईएसएफ अधिकारी बने। भारतीय विदेश सेवा में रहते हुए मनोज ने 4 देशों इंडोनेशिया, बेलारूस, यूक्रेन और तिमोर लस्ते में भारत के राजदूत के तौर पर काम किया। मनोज राजदूत बनने से पहले म्यांमार, तुर्की, नेपाल, नीदरलैंड और ईरान में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। साल 2017 में तराश सेवचेंको नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ क्वीव से इंटरनेशनल रिलेशन में मास्टर डिग्री हासिल की। उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। मनोज को कई भाषाओं का ज्ञान भी है। वे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी के साथ साथ बंगाली, रूसी भाषा, फ्रेंच भी जानते हैं। वैसे खुद प्रशांत किशोर ने मनोज भारती के नाम का ऐलान करते हुए कहा कि बिहार में हमारी पार्टी बन गई है, हमने पहले ही साफ कर दिया था कि हमें कोई पद नहीं चाहिए। कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष दलित समाज से बनाए गए हैं। हमने दलित अध्यक्ष इसलिए नहीं बनाया कि वो दलित हैं, बल्कि उन्हें इसलिए बनाया क्योंकि वो सक्षम हैं। जनसुराज में जात-पात के नाम पर पद नहीं मिलता है, बल्कि उसके अनुभव और काबिल होने के आधार पर उन्हें जगह मिलेगी। प्रशांत किशोर ने आगे ये भी कहा, ये तो शुरुआत है, अभी आगे आगे देखिए कैसे कैसे चेहरे को आगे लाते हैं। अब प्रशांत किशोर के खेले गए दलित कार्ड पर श्याम रजक ने भी बड़ी बात कह दी है।
वैसे प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद मनोज भारती यहां वेटनरी कॉलेज मैदान में जय बिहार कहकर संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि 2 साल से प्रशांत किशोर बिहार का दौरा कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि कैसे बिहार को आगे बढ़ाया जाएगा, प्रशांत किशोर की लीडरशिप में बिहार को आगे बढ़ाना है। बिहार के उत्तर बिहार की नदियां बिहार के लिए अभिशाप बनी हुई है, लेकिन हमारी पार्टी उस पर भी काम कर रही है। बिहार से बिहारी को अलग कर सकते हैं, लेकिन बिहारी को बिहार से अलग नहीं किया जा सकता। आगे उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर ने जो शुरुआत की है उसे 1 साल या 2 साल में पूरा नहीं किया जा सकता, इसके लिए सतत प्रयास करना होगा। जनसुराज में मिली जिम्मेदारी को मैं भी बखूबी निभाऊंगा। वैसे अब बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर प्रशांत किशोर ने दलित को ही क्यों कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। वैसे 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले से ही जातीय राजनीति जोर पकड़ने लगी थी और बिहार में तो महागठबंधन का मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार ने तत्कालीन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ जातिगत जनगणना भी कराई थी। ये तो आम चुनाव के काफी पहले ही लगने लगा था कि मंडल बनाम कमंडल को मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। कुछ हद तक कोशिश कामयाब भी हुई। यूपी और बिहार से आए लोकसभा के नतीजे तो ऐसा ही बताते हैं। बीजेपी जहां अपने राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के एजेंडे के साथ चलने की कोशिश कर रही है, तो वहीं लालू यादव ने मंडल बनाम कमंडल की राजनीति में उलझने की कवायद जो है वो शुरू कर दी। अब अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव तक उसे ले जाने की तैयारी है। वैसे प्रशांत किशोर अपने लिए एक गैप देख रहे हैं। यही वजह है कि बिहार में अब तक हावी रही सवर्ण और ओबीसी राजनीति से आगे बढ़कर दलित राजनीति का रुख किया गया है। वैसे बीते 3 दशक की बात करें तो बिहार में ओबीसी राजनीति हावी रही है। आरजेडी नेता लालू यादव ने 90 के दशक में पिछड़ों की राजनीति से सत्ता हासिल की और मुस्लिम वोट के साथ गठजोड़ कर करीब 1.5 दशक तक सत्ता पर काबिज रहे। जेल जाने की नौबत आई तो पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया गया। बाद में नीतीश कुमार ने भी उसी जातिगत राजनीति में थोड़ा हेरफेर के साथ अपना सिक्का चलाया। वैसे बीजेपी का साथ छोड़कर लालू यादव से भी हाथ मिलाया, सही मौका देखकर छोड़ भी दिया और अब तक कुर्सी पर बने हुए हैं। वैसे लालू यादव से पहले भी पिछड़े वर्ग के नेता मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन वे सभी सवर्ण राजनीति का ही हिस्सा थे। कर्पूरी ठाकुर हो या भोला पासवान शास्त्री, सबके सब सवर्ण राजनीति की बदौलत ही मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाए थे। ध्यान से देखें तो ऐसे नेताओं का कार्यकाल भी कोई लंबा नहीं रहा। अब जो जातीय राजनीति का असर हुआ है, प्रशांत किशोर ने अपने लिए बढ़िया मौका देखा है। हालांकि वो इस बात से इनकार करते हैं कि ब्राह्मण होने के कारण उन पर सवाल उठ रहे थे, इसलिए वो मनोज भारती को आगे लाए। अपने बचाव में प्रशांत किशोर कहते हैं कि जाति समाज की सच्चाई है और जो भी नेता होगा वो भी किसी न किसी जाति से तो होगा ही। प्रशांत किशोर की दलील ठीक हो सकती है, लेकिन ये तो महज एक राजनीतिक बयान ही है। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान बड़े दलित नेता रहे हैं, लेकिन बिहार में वो ज्यादा नहीं चले, बल्कि बिहार में दलित जनाधार के कारण ही केंद्र की सत्ता में बने रहे। अब देखना है कि प्रशांत किशोर के इस दाव से बिहार की राजनीति में कितना फर्क पड़ेगा और जातीय जनगणना के बहाने बढ़ाई जा रही कास्ट पॉलिटिक्स पर कितना असर होने वाला है। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में आज के लिए बस इतना ही। अन्य ऐसे ही प्रोग्राम के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।